ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो बोझ सौंपने से पहले बाबा ने एक बहुत सुंदर कमिटमेंट हमसे किया है, आज मैं आपको बताऊं, ओपन वचन दिया है हमको, प्रॉमिस किया हम सबके, और वो भी 20,000 से 25,000 की सभा में खुला वचन दिया है, कोई कान में मंत्र नहीं फूका है, और डंके की चोट पर दिया है। अब आप बताइए, आप किसी को वचन देकर, प्रॉमिस देकर मुकर जाओगे क्या? शायद कलयुग में 60% लोग तो ऐसे होंगे जो अपने वचन पे आज भी कायम होते होंगे, जुबान दिए भाई हमने उसको, कुछ भी करेंगे, वचन दिया है, राइट? तो बाबा ने हमको वचन दिया है। कौन सा वचन दिया? बाबा ने कहा, बच्चे जब भी कोई मुश्किलात आ जाए, कोई संस्कार तुम्हें विवश करने लगे, कोई परिस्थिति तुम पर भारी पड़ जाए, उस वक्त तू घबराना मत, बाजू में देखना मैं बैठा हूं, तू चिंता मत करना। और फिर परमात्म महावाक्य, जिनको पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में किसी के काटने की सामर्थ्य शक्ति नहीं, उसने जो बोल दिया सो बोल दिया, वो इस ब्रह्मांड का पहला और अंतिम सत्य होता है, ना उसके पहले कुछ है और ना उसके बाद कुछ है। ऐसे महावाक्य जो खुद भगवान उवाच है, उसने बोला, अगर ऐसी कोई परिस्थिति, ऐसी कोई समस्या आ जाए तो विचलित मत होना, घबराना मत, बस दिल से कहना, मेरे बाबा, मेरे साथी, आ जाओ, मेरी मदद करो। ये तरीका बताया मदद लेने का। और फिर उसका वायदा देखिए क्या है जो उसने ओपनली किया है। आप सबने भी देखा होगा, सुना होगा, क्या वायदा किया था? मेरे बच्चे बुलाए और मैं ना आऊं, ये हो नहीं सकता, असंभव। बाबा बंधा है अपने बच्चों की मदद करने के लिए, ये उसका प्रॉमिस है, वायदा है, निभाएगा कि नहीं? लेकिन बड़ा चतुर सुजान है, वायदा तो कर लिया, निभाएगा 100 नहीं 200%, लेकिन वायदे में कंडीशन रख दी कुछ। अब देखिए, जब हम भी किसी से कोई प्रॉमिस करते हैं, देखो ऐसा होगा तो फिर मैं ऐसा करूंगा, हमारे भी कुछ कंडीशंस होती है। हाँ, ऐसी बात होगी ना, अगर इस तरह से होगा तो फिर ये मेरा वायदा, मैं इसको पूरा करूंगा, लेकिन पहले मैंने क्या रख दी? कंडीशन रख दी, ऐसा होगा तो। बाबा ने भी प्रॉमिस से पहले क्या कर दी? कंडीशन रखी है, दो स्पेशली कंडीशन रखी। क्या रखी मालूम है? इन्हीं उसी के ही शब्दों में उसकी कंडीशन छिपी हुई है, उसी के ही शब्दों में छिपी हुई है। पहली कंडीशन क्या है? बाबा ने क्या कहा, मदद मांगने का तरीका जब बताया, दिल से, अंडरलाइन, दिल से कहना। ये कौन सी कंडीशन हो गई? पहली कंडीशन। अक्सर करके आज तक हमने भगवान को भक्ति मार्ग में भी, और आई एम वेरी सॉरी, ज्ञान मार्ग में भी काफी हद तक दिमाग से यूज किया है, दिल कम दिमाग ज्यादा। और बाबा को पसंद क्या है? दिमाग से इंफॉर्मेशन राइट है, वो ज्योति बिंदु है, निराकार है, परमधाम का वासी है, हम आत्माओं का पिता है, युग परिवर्तन करने आया है, संगम युग चल रहा है, ज्ञान दे रहा है, ये सब इंफॉर्मेशन ठीक है दिमाग से, पर रिलेशन कहां से? और अगर मैं रिलेशन दिमाग से बनाने चली तो? आप यहां भी देख लीजिए, अगर कोई दिमाग से रिलेशन बनता है वो लॉन्ग टाइम चलता है क्या? उसमें स्वीटनेस होती है? स्वार्थ के बेस पे बनता है वो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्वार्थ होता है तो रिलेशन बनता है, और वो स्वार्थ एक दिन सामने आ जाता है, और जैसे ही सामने आता है वैसे ही क्या होता है? खत्म। तो इंफॉर्मेशन दिमाग से और रिलेशन कहां से? दिल से। तो पहली कंडीशन क्या है? दिल से।
भक्ति मार्ग में भी हमने यही किया कि बिना भक्ति किए, पूजा पाठ किए, दिया बत्ती किए तो मैं जल भी ग्रहण नहीं करता, करती नियम है मेरा ये। लेकिन दिया बत्ती कैसी होती है, वो हाथ में 5 अगरबत्ती है माचिस से और इतनी लंबी दिमाग में स्वार्थ की और कामनाओं की लिस्ट है। हे भगवान, मेरे पति का कारोबार अच्छा चले, मेरे घुटने ठीक हो जाए, मेरा बच्चा पास हो जाए, घर में सुख शांति रहे, और ले पकड़ 5 अगरबत्ती। दिल से कि दिमाग से? दिल से कि दिमाग से? ऐसे तो मंदिर जाने का वक्त नहीं, लेकिन अगर मंदिर जाते हैं तो जितनी सीढ़ियां उतनी इच्छाएं, सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे, एक के बाद दूसरी इच्छा, तीसरी इच्छा, चौथी इच्छा। कभी निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से मैं एक अगर बत्ती भी समर्पित नहीं कर सकती अपने इष्ट देव को, इष्ट देवी को। होता है क्या ऐसा? रियलिटी है, इसलिए भक्ति में शक्ति नहीं रही।